सो मैं हूँ अभी कन्ना ओवरसीज के स्टॉल पर. इनके पास बहुत ही यूनिक आइटम्स हैं. सो दैट अगर आपने देखा हो गेम्स ऑफ थ्रोन में या फिर ऐसे कुछ 300 वाली मूवी में, मूवी 300 में आया था. एंड ऐसे जो है बहुत ज्यादा स्पार्टाज एंड ऑल दैट इनका चलता है. ये हॉर्न्स हो गए यहाँ पर, अगर आप देखो दिस इज वेरी यूनिक. ये मैम ये रियल हॉर्न है? या एब्सोल्युटली, दीज आर बोन हॉर्न एंड इट्स गॉट दीज ब्रास ट्रिमिंग्स हियर. वाओ. एंड दीज आर सपोजिटली ड्रिंकिंग हॉर्न्स. सो व्हेन इन द ओल्डन डेज दे यूज्ड टू कैरी वाटर लाइक दिस और इवन ड्रिंक अल्कोहल. ओके. हाँ वो उसमें दिखाते हैं ना मूवीज में, ये रियल हॉर्न्स के अंदर गाइज हम ड्रिंक करते हैं एंड ऑल दैट. उनका ट्रेडिशनल जो थिंग्स है ना वो मैम ने यहाँ पर ला के रखा है. एंड इनके पास इवन ईस्टर एग्स, ईस्टर एग्स, देन दैट्स द क्रिसमस आइटम्स. या क्रिसमस के लिए भी काफी ज्यादा वेराइटीज है इनके पास. ईस्टर एग की काफी वेराइटीज है. दैट्स द मूवी 300 स्वॉट. या एंड दैट्स द रोमन ग्लेडियस. Okay. These are all Roman swords. Wow. Then, so yeah, this is the use for decoration only. And decoration, reenactment. Well, reenactment clubs hote hain. Haan. So for that, then this is the Excalibur. This is MacLeod. This is Claymore. Wow. And these are Norman. So this is the Polish one. So that's. That's the another sword. This is और ये भी है मामा आपके पास जो ये आगे के लिए होते हैं. Yeah, these are hoods. You will see these are riveted. Yeah, they are riveted. One done into the other. Right. You know, and they are hammered then, and they put little wow. so that they can not get out. You know, they can't open up, yeah. open the rings. And these are they're bugles. Then this is all, look at the carvings. These are all American swords. Wow. And this is the CSA and all the American ones. Carved, you'll see, beautifully done. Wow. And then these are some axes. Mm. And again, American cavalry swords. Some daggers. That's the gladiator helmet. अच्छा हाँ, इसमें ये यहाँ पे लगा हुआ है फॉर लेके जाने के लिए. दैट इज गुड. हाँ, इसको ऐसे लेके पीके और इसको बंद करने वाला बंद करने वाला है. ओके, दैट्स राइट. तो ये अभी भी इनिशियली हो रहा है यूज? नहीं, ये जस्ट फॉर डेफिनेटली है ना. या लॉट ऑफ कलेक्टर्स, lot of people who like all this, right? So they like to do stuff. Acha, ye niche jo kettles hai? No, these are mugs. Yeah, they are those. Ye bade horns hai ye. Yes, horns kiske hai ye ma'am, itne bade horns kiske? Cows. Oh, buffalo horn hai ye, right? Bahut bada hai. But now what we've started doing, we will even started doing acrylic. Acha, so instead of buffalo horn, we started using acrylic also. Okay. But of course, this is still लुक देने के लिए हम लोग वो यूज कर रहे हैं ना आजकल एक्रेलिक वाला, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं. अवॉइड करते हैं. Then these are some Viking items. Wow. Yeah. हाँ, ये छोटे वाले Viking items हैं ये सारे. तो ये फॉर डिस्प्ले पर्पस यूज कर सकते हैं. Yeah. Basically, Halloween. हाँ. And again, थीम पार्टीज एंड ऑल दैट. Yes. Then these are some animals for whatever purpose. Or and these are our very famous walking sticks. These are walking sticks with some different designs of animals and different finishes. Yeah. We've got this nickel. This is little antique finish. Amazing. Yeah. These are again swords now. These are our rapiers. Okay. This is the Japanese samurai. Yeah, samurai wala. Samurai. So basically, you will see a lot of replicas in this place. Okay. And we are a 45-50-year-old company. It was actually started by my father-in-law. लग रहा है कि मैम वो ऑलरेडी मैम ऐसा ही लग रहा है कि हाँ कि इतना पुराना ही है, क्योंकि ये जो थिंकिंग है ना वो ओल्ड एज पर्सन की ही हो सकती है कि कहाँ उनका इंटरेस्ट आया होगा और उन्होंने फिर ये स्टार्ट किया होगा. राइट.
बिल्कुल. सो मेरे हस्बैंड सुनील खन्ना और मैं पूजा खन्ना, हम उनकी लेगेसी अपने फादर इन लॉ बहुत बढ़िया फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं. 50 साल पुरानी कंपनी है तो डेफिनेटली हम सबसे पुराने हैं. जी जी, मतलब इंडिया में हम सबसे पुराने. वी आर द वंस. माय फादर इन लॉ स्टार्टेड, उन्होंने इन कुकरी से बिजनेस शुरू किया था, गुरखा कुकरी. हाँ जी हाँ जी, उन्होंने इससे शुरू करा था. एंड देन ऑफ कोर्स फिर बढ़ता चला गया. हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ा दिया. बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा. और मैम, ये रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? वैसे तो ये आउट ऑफ कंट्री ही ज्यादा लाइक करते होंगे ना. हम एक्सपोर्ट ही करते हैं. अभी आई नो इंडिया इज द मार्केट नाउ, डोमेस्टिक मार्केट इज वेरी बिग, बट सम हाउ वी हैव नॉट स्टार्टेड, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट. राइट, वी वॉन्ट टू, यू नो, एक बार हम अमेजोन के थ्रू या ईबे वगैरह के साथ हम करना चाहते हैं. जी, अभी हमने करा नहीं है. जी, बट शायद हम करें. जी श्योर, आप करेंगे तो डेफिनेटली इंडियन कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगने वाला है. एंड दे वुड लाइक टू हैव दिस ओन, घर में चाहेंगे. हाँ, वो कुछ ना कुछ रखना चाहेंगे. ये सारी जैसे ये मुझे बहुत अच्छा, टेबल टॉप एक बहुत ही सुंदर लगा ये. जी जी, बहुत अच्छी है. आप ये देखिए, ये छोटी मिनी रोमन हेलमेट. हाँ, ये देखिए कितना सुंदर पीस है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल पीस. राइट मैम, ये देखिए बहुत ही अच्छा है. हाँ, इसकी रेंज क्या होती है मैम? हम बेचते हैं अबाउट $11. $11 के आसपास है विद दिस स्टैंड. ओके, और ये हॉर्न्स वाला जो है उनकी रेंजेस डिफरेंट, डिपेंड करता है साइज टू साइज, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम $3-4 इट गोज अप टू अबाउट $10. मैम ये हंटर्स हैं क्या? हाँ, हाँ. मुझे डर लग रहा था मुझसे. वही है हंटर्स, फ्लॉगर्स, राइट, दोज बिग हंटर्स. या दे आर दोज 6 feet हंटर्स. ओके, यस. ये पहले तो ये पनिशमेंट देने के काम आते थे, लेकिन अभी बस जस्ट फन के लिए यूज करते हैं. और नंबर बता दीजिए. 9837099119. सुनील खन्ना का नंबर है, मेरे हस्बैंड का. ओनली B2B में डील करते हैं ना? नहीं, हम करेंगे सब कुछ. सब कुछ करेंगे, ओपन मार्केट हम. ओके, वाओ, बेचेंगे. बहुत बढ़िया. तो गाइज, जो आपको फोन करते हैं हम कर सकते हैं. राइट राइट, वेरी गुड. यहाँ पर अमेजिंग थिंग गाइज, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है. अगर आपको पसंद आ रही है कोई आइटम और अगर आप बाय करना चाहते हैं मैम से, तो आप सिंगल पीस भी बाय कर सकते हो. और बहुत ही यूनिक आइटम्स इनके पास है, आपको ये कैटलॉग्स भेज देंगे. और अगर आपको भी कनेक्ट करना हो तो आप कनेक्ट कीजिएगा. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.